आई होप आपको ये डेफिनेशन ऑफ ऑन्टो फंक्शन क्लियर है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट डेफिनेशन को मूव करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज योर बाइजेक्शन। ठीक है, फंक्शन को हम बाइजेक्शन कब बोलेंगे? इफ इट इज बोथ 1 1 if it is both 1 1 and onto। ठीक है, अगर वो 1 1 and onto function है, मत if it is both 1 1 and onto, then that function is called as a bijection। ठीक है, example देख लीजिए, this is a set A and this is a set B, 1 2 3 4 5 elements है, A, B, C, D is the element and 1 is mapping to A, 2 mapping to B, 3 mapping to C and 4 is mapping to D, 5 is mapping to C. Is it a, and F, that is F is a function. अब आप मुझे बोलिए it is 1 1 and onto क्या बोलिए। ठीक है, is it 1 1? 1 1 है ये function? No, it is not 1 1. Why it is not 1 1? Why? Because f of 3 is c and f of 5 is also c. Is 3 equal to 5? 3 is not equal to 5, but f of 3 is equals to f of 5. So it is not going to satisfy the definition of 1 1 function. So it is not a 1 1 function. Is it onto function? Yes, it is onto function. Why it is onto function? Why? Because there are no leftover elements over here. ठीक है, अब ये हमारा 1 1 तो नहीं है, it is only onto function, तो हम इसको bijection बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। क्यों? हम लोग को bijection होने के लिए 1 1 भी होना चाहिए, onto भी होना चाहिए। ठीक है, अभी हम next example देखते हैं। Example ले लीजिए, another, this is the set A, this is the set B, F is the image from A to B. यहाँ पे कुछ elements है 1 2 3 4 5, यहाँ पे elements है A B C D. 1 is mapping to A, 2 mapping to B, 3 mapping to C, 4 mapping to D and 5 is mapping to E. तो यहाँ पे देखिए आप bijection जो है ये है या नहीं है। ठीक है, is it 1 1? Yes. Why? पूरे सभी का जो है ना different elements having different images, so it is 1 1 function। ठीक है, अभी हम क्या बोलेंगे, इज इट ऑन टू फंक्शन? ऑन टू फंक्शन है, हाँ ऑन टू फंक्शन है। क्यों? यहाँ पे कोई लेफ्ट ओवर एलिमेंट नहीं है, सो इट इज 1 1, देयरफॉर इट इज 1 1 एंड इट इज ऑन टू, देयरफॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन फ्रॉम एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी इज बाइजेक्शन। ठीक है, आई होप दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन इज क्लियर। ठीक है, 1 1 का याद रख लो ऐसे, x1 अगर इक्वल टू x2 है, इम्प्लाइज f of x1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू f of x2, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेजेस। अगर इमेजेस अगर सेम होंगे तो एलिमेंट्स भी, सॉरी f of x1 इज नॉट इक्वल टू f of x2, देन देयर इमेजेस शुड बी डिफरेंट। अगर इमेजेस अगर सेम, मतलब कि उन लोग के एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। ऑन टू का डेफिनेशन क्या था कि यहाँ पे जो है ना एटलीस्ट 1 प्री इमेज शुड बी देयर। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है देखिए, दिस इज द सेट ए। अगर कोई फंक्शन एफ, हम लोग ने अभी जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं सभी फंक्शंस क्या कर रहे थे, इट वॉज मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो खुद से ही मैप करता है, इट मैप टू इट सेल्फ, यानी कि वो खुद के ही एलिमेंट से मैप करता है। ठीक है, इट मैप्स टू इट सेल्फ। ठीक है, एफ मैप्स फ्रॉम ए टू ए इज आइडेंटिटी फंक्शन। फंक्शन इफ इफ मैं कंडीशन लिखाती हूँ अभी समझा कर आपको, दिस इज अ सेट ए और दिस एफ इज मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ठीक है,
f is happening from set A to set A. तो set A और this is also set A. तो set A में elements है 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पे भी क्या elements होने चाहिए? Same elements क्योंकि same set मतलब कि same elements, right? 1, 2, 3, 4. And f is a function from A to A. तो 1 is mapping to 1, 2 mapping to 2, 3 mapping to 3, 4 mapping to 4. तो यानी कि जो elements है, that element, देखो set should map from set to set itself as well as ये जो है ना this element should map to itself. This 2 is mapping to 2, 3 is mapping to 3 and 4 is mapping to 4. So the elements are mapping to itself. तो वो क्या कहलाएगा? Such a function is called as a identity function. यानी कि f maps from a to b is identity function if यहाँ पे देखिए अगर मैं f of 1 भी दूँ तो मुझे 1 आ रहा है, f of 2 देने से 2 आ रहा है, f of 3 भी देने से 3 आ रहा है. यानी कि जो एलिमेंट मैं दूँ मुझे वही इमेज आ रहा है, जो एलिमेंट दूँ मैं वही इमेज आ रहा है. अगर मैं उसको जनरलाइज कर दूँ यानी कि इंडिविजुअल नंबर्स यानी कि जनरल फॉर्म में लिख दूँ तो क्या होगा? वो f of x equals to x, ठीक है ना? जो एलिमेंट दे रही हूँ वो एलिमेंट आ रहा है. तो f maps from a to a is identity function if for all x belongs to a, f of x is equals to x. ठीक है, ऐसा भी लिखो या फिर f of x equals to x for all x belongs to a. आपको तो मालूम है ना ये सिंबल इज फॉर ऑल. ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ अगर मैं यहाँ पे जो मेंशन की हूँ, अगर आप और ये लिख रहे हैं तो आपको डेफिनेशन यहीं पे एंड हो जाएगा. अगर आप ये अगर नहीं लिख रहे हैं, ये पर्टिकुलर थिंग अगर आप नहीं लिख रहे हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यहाँ तक रहेगा आपको डेफिनेशन. ठीक है, अभी नेक्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन क्लियर है? ये इटसेल्फ को ही मैप करता है, ठीक है, और अपना जो एलिमेंट रहता है वही उसका इमेज होता है. ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन हो गया. नेक्स्ट इज द इक्वल फंक्शन. ठीक है, हम फंक्शन को इक्वल कब बोलेंगे? फंक्शन इज सेट टू बी इक्वल, देख लीजिए, दूसरा कलर लेंगे. मान लीजिए दिस इज द सेट ए एंड दिस इज अनदर सेट बी. एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी. एंड यहाँ पे हम इक्वल फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो फंक्शन होने चाहिए जो कि हमें उसको इक्वल दिखाना है. तो f maps from a to b एक फंक्शन हो गया है, और मान लीजिए दिस इज अ सेट c एंड दिस इज अ सेट d एंड f इज अ फंक्शन फ्रॉम c टू सॉरी g इज अ फंक्शन फ्रॉम c टू d, दूसरा फंक्शन लेंगे. देखिए मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया कि हम फंक्शन को कोई भी लेटर अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं, बट यूजुअली वी यूज f टू डिनोट एज अ फंक्शन यूजुअली. ठीक है ना, f maps from a to b एक फंक्शन है एंड जी मैप्स फ्रॉम सी टू डी इज अनदर फंक्शन. अब हम लोग को क्या दिखाना है कि जी मस्ट बी इक्वल टू एफ या एफ इक्वल्स टू जी. अब ये दिखाने के लिए जी इक्वल टू एफ इफ, अब कंडीशन देखेंगे. यहाँ पे जो मैं फंक्शन में जो भी इनपुट दे रही हूँ यानी कि जो भी वैल्यूज दे रही हूँ वो क्या कहलाएगा? डोमेन. एम आई राइट? तो यहाँ पे आपका डोमेन क्या है? एफ का डोमेन इज ए एंड जी डोमेन इज सी. तो फर्स्ट कंडीशन इज योर डोमेन शुड बी इक्वल, दैट इज ए इक्वल टू सी. यानी कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे मेरे पास, यहाँ सी में भी वही एलिमेंट्स होने चाहिए. ठीक है, देन ओनली वी से के दोस टू डोमेन्स आर इक्वल. ठीक है, पहला कंडीशन तो हो गया कि डोमेन शुड बी इक्वल. नेक्स्ट कंडीशन इज कोडोमेन के लिए कुछ भी नहीं है. कोडोमेन मस्ट कोडोमेन में जो है ना कोडोमेन के लिए कुछ कंडीशन नहीं है. कोडोमेन में कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं. मान लीजिए यहाँ पे इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ये दिस इज डी. ठीक है, तो यहाँ पे 1 इज मैपिंग टू ए एंड 2 इज मैपिंग टू सी, 3 मैपिंग टू बी एंड 4 इज मैपिंग टू डी. तो ऐसे यहाँ पे मैपिंग सेट है. ठीक है ना, ये लोग के इमेजेस है. तो यहाँ पे जो जी फंक्शन है, जी फंक्शन में भी अगर दोनों इक्वल, एफ जी इक्वल होना मतलब कि 1 का जो इमेज है यहाँ पे
वन का एफ फंक्शन में जो वन का इमेज है वो जी फंक्शन में भी वन का इमेज वही होना चाहिए, ठीक है। और वन एफ फंक्शन में मेरा टू इमेज सी, तो जी फंक्शन में भी टू का इमेज क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है। और अगर फंक्शन एफ जो है उसमें थ्री का इमेजेस बी, तो जी फंक्शन में भी थ्री का इमेज बी होना चाहिए। और फंक्शन एफ में फोर इमेजेस डी, तो यहाँ पे जी फंक्शन में भी आपका फोर का इमेज डी होना चाहिए। तो डोमेन तो इक्वल होना चाहिए, वो हमने देखा है। सेकेंड कंडीशन इज व्हाट, देयर इमेजेस मस्ट बी सेम। इमेजेस मस्ट बी सेम मतलब एफ ऑफ वन शुड बी इक्वल टू जी ऑफ वन, बात समझ में आई। एंड एफ ऑफ टू शुड बी इक्वल्स टू जी ऑफ टू, ठीक है। वैसे ही एफ ऑफ थ्री मस्ट बी इक्वल्स टू जी ऑफ थ्री, तो इस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन हम इसको अब जनरलाइज कैसे करेंगे कि एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, तो हम इसको जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंगिंग टू सी। अब देखिए, और मैंने क्यों लिखा है, ए और सी इक्वल है। अगर एक्स अगर ए को बिलोंग कर रहा मतलब एक्स विल इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू सी ना, अंडरस्टूड है वो चीज, ठीक है ना, बात समझ में। इक्वल फंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल चाहिए क्या, डैम इजी है ना मा कॉन्सेप्ट ये इक्वल फंक्शन में, ठीक है। फिर भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज अ सेट ए, दिस इज अ सेट बी and f is a function from a to b, और यहाँ पे कुछ elements मैं ले रही हूँ से a b c d, यहाँ पे elements है some x y z, and there is another set c and d, and g is a function from c to d। यहाँ पे c में क्या elements होने चाहिए, same elements, why, क्योंकि हम लोग को अगर दो functions अगर equal मतलब हमारा domain should be same, ठीक है। अभी नेक्स्ट, दिस इज एलिमेंट से ए बी सी एक्स वाई जेड ऐसे, एंड मान लीजिए ए मैप टू वाई, बी मैप टू जेड, सी मैप टू एक्स, डी मैप टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे ए इज मैपिंग टू से एक्स, बी इज मैपिंग टू जेड, सी इज मैपिंग टू एक्स, D is also mapping to X. Now tell me, is F equal to G? Is F equal to G? No, it is not equal to G. Why it is not equal to G? यहाँ पे देखिए, A का image यहाँ पे Y है. What is F of A? F of A is equals to Y. And what is your G of A? G of A is equals to X, यानी के is X equals to, is Y equal to X? No, Y is not equal to X, इसीलिए F of A is not equal to G of A, therefore F is not equal to G, ठीक है, clear है? Next, ठीक है, clear है? अभी नेक्स्ट हम दूसरे डेफिनेशन देखेंगे।